तेंदुखेड़ा थाना की बड़ी कार्रवाई, पैरोल पर आया आजीवन कारावास की सजा काट रहे आरोपी द्वारा गांजा तस्करी करते पकड़ा। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ में तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बधी के पास NH 12 पर दो आरोपी चंद्र प्रकाश दीक्षित और सुरेश दीक्षित, दोनों सगे भाई देवरी रायसन के निवासी, जो कि पैरोल पर बाहर आई थी, जो कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते हुए पकड़े गए। आरोपी के पास 6 किलो गांजा, 1 मोटरसाइकिल तेंदुखेड़ा पुलिस द्वारा जब्त कर कार्रवाई की जा रही। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय नरसिंहपुर और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर के माध्यम से लगातार जो है नरसिंहपुर में अवैध मादक पदार्थों पर सख्त कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं। इसी के पालन में जो है रात्रि में मुखबिर से सूचना मिली कि बंदी तिराहा NH 12 में एक मोटरसाइकिल में दो व्यक्ति जो है अवैध मादक पदार्थ गांजा जो है उसकी तस्करी के लिए आए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस तेंदुखेड़ा द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए दो लोग जो दोनों सगे भाई हैं, जिसमें से एक का नाम चंद्र प्रकाश है और दीक्षित है और दूसरे का नाम है सुरेश दीक्षित, दोनों सगे भाई हैं और इनके कब्जे से 6 किलो मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है जिसका उपयोग उस घटना में कर रहे थे। इसके अलावा भी कुछ जानकारी भी मिली है ऐसी कि दोनों भाई जो है पेरोल में आए हुए थे और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, इससे संबंधी भी जानकारी जुटाई जा रही है इनके विरुद्ध में। गांजा जो है तकरीबन 75,000 रुपए का है। की तेंदुखेड़ा से प्रतीक स्वदेशी की रिपोर्ट।